Let's join everyone. I've started the lecture. We'll just wait for others to come. When others join, we'll start the lecture. Okay, sir. Okay. We'll just wait others to come. Right now I can see only three are there. Four, Disha, Shravani. So we'll wait for others. So actually Vivas are going on. So they might join a bit late. Okay, not an issue. I will just wait for another 3 minutes. Yes, sir. I will just wait for another 3 minutes and I will start. We'll wait others to come. We'll just start the second part of the chapter. Control and coordination. Another 2 minutes I will just wait and after that I will start the lecture. So how many game? Kitne log aaye hain abhi, kuch idea hai? Everyone is in. Priti, Shravani, Rajlakshmi. No, sir. Only 8 people. There are 14. Yes, yes, yes. Another 1 minute I will wait and I will start. So, I think we should start now.
I think we should start now. I can see. Hello. Yes, sir. You are able to hear me, right? Yes, sir. Voice is okay? Yes, sir. Chalo, we'll just start. So we'll start from here. First of all, anyone knows what is meant by circulation, the definition of circulation, and what the circulation is going on in our system? Anyone has any idea? Anyone has any idea about the circulation? What is circulation? Okay, if you don't know the definition of circulation, अगर circulation का definition हमको नहीं पता है, but circulation कैसा होता है वो तो पता होगा, ठीक है, circulation कैसा होता है वो भी नहीं पता होगा, तो circulation क्यों होता है वो पता है, ठीक है, वो भी अगर नहीं पता रहेगा तो एक-एक करके मैं बता, so the number one, circulation होता किस लिए वो मैं पहले बताता हूँ, जो भी अभी तक का हमने देखा था कि लंग्स क्या कर रहा था, O2 ला रहा था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा था इन एल्वियोलाई सैक, राइट, लंग्स का जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है वहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा था, CO2 ब्लड से ले रहा था, O2 एयर के थ्रू अंदर ले रहा था और वो सिस्टम में जाके रन होता था। अब सिस्टम में जाके कैसे रन होगा वो तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कैसे रन होगा, हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा, पंप करेगा, जैसे पंप करेगा उसका लेफ्ट साइड का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां से ब्लड ऑक्सीजनेटेड निकलेगा और पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्लड जाएगा, दैट इज व्हाट द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हमारा कैसा सर्कुलेशन है, क्लोज सर्कुलेशन, दो टाइप का सर्कुलेशन होता है, एक होता है क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम और एक होता है ओपन सर्कुलेशन, ओपन कॉकरोच में होता है, वो कैसे होता है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, प्लस क्लोज सर्कुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलेशन, हम क्लोज सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर, एक्चुअली टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, दूसरा था क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम, जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हमारा होता है, मैमल्स का होता है, क्लोज, क्लोज क्यों बोलते हैं उसका रीजन मैं बताता हूँ, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि जब ब्लड पंप होता है, जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो क्या होता है, ब्लड नाक कान वाया से बाहर नहीं आता, आर्टरीज के थ्रू ही जाता है और वेन के थ्रू ही रिटर्न आता है फिर अगेन हार्ट में, दैट इज क्लोज्ड, हम बोलते हैं ना क्लोज चैनल, उसका लीकेज कहीं नहीं है, उसका कोई ये नहीं है कि यहां से मैंने फेंका कि और से निकल रहा है, ऐसा नहीं है, सब आर्टरीज के थ्रू रेस्पेक्टिव आर्टरीज के थ्रू रेस्पेक्टिव ऑर्गन्स के पास जाता है और रेस्पेक्टिव ऑर्गन से रेस्पेक्टिव वेंस के थ्रू हार्ट में आता है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलेशन, बैक टू क्लोज, क्लोज मतलब जहां से निकला वहीं पे आ रहा है हार्ट, बराबर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन 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 सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में किसी ने सुना है, कभी पढ़ा होगा, आपने बताया था कुछ थोड़ा सा, राइट, थोड़ा सा मैंने बताया था, वो मैंने कहा बताया था वो भी मैं बताता हूँ, जब हम किंगडम एनिमलिया पढ़ रहे थे, हाँ सर, करेक्ट करेक्ट, राइट, उसमें था वो ब्लाइंड बॉडी पढ़ रहा था, तो स्टार्टिंग में देखो बहुत सारे फाइलम के सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन था, मैंने बताया था ओपन इज नॉट गुड, धीरे 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 आप मैमल्स जा रहे थे, तो मैमल्स इज अ परफेक्ट एनिमल्स, हायर एनिमल्स, उसमें देखो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, पूरा चैनल बन गया, दैट इज वॉट क्लोज, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या, ब्लड है ना, ब्लड ओपनली गिरेगा, ब्लड होता ही नहीं है उनमें, पहली बात तो हिमोलिम्फ बोलते हैं उसको, हिमोलिम्फ, मैं बताता हूँ क्या ये ब्लड पकौड़ा, अभी के लिए ब्लड बोलो, ब्लड क्या होगा पता है, ऐसा हार्ट, हार्ट तो रहेगी, हार्ट है ना, रहेगा, बट उसका क्या होगा पता है, जो ब्लड है ना एक ओपन साइनस में गिरेगा, मतलब एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझो समझो गटर में घर से पाइप आती है, गटर है समझो, सबके वॉशरूम से एक पाइप आ रहा है, गटर में ही अटैच हो रहा है, बट वो गटर में अटैच होने से पहले कैसे वो पानी कैसे
गिरता था ऐसे ऊपर से, वैसे सबके घर से कैसा पानी ऊपर से गिरता है, वैसे ही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में सीधा ब्लड आके ऐसा हेड के साइनस, जो हेड है ना साइनस मतलब कैविटी, वो साइनस में ब्लड गिरता है, तो उसको हम बोलेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसको कोई ज्यादा आर्टरीज वेन्स कुछ नहीं होते, दैट इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम खास करके कॉकरोच में ज्यादा फेमस है। लास्ट टाइम मैंने आर्थ्रोपोड्स पढ़ा रहा था, याद है आर्थ्रोपोड्स में कॉकरोच उसका एग्जाम्पल था, उसमें खास करके मैंने डिटेल में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था, याद आया? यस सर। हाँ, ये मैं जानबूझ के पढ़ा रहा था क्योंकि आपको ये 10th 12th में जब आओगे तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक टॉपिक है, समझ में आ जाने के लिए। तो अब सीधी सीधी बात अगर हम बोले, सीधी सीधी बात बोले तो बहुत ही सिंपल सिंपल बोलता हूँ, सुन लो एक बार। देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वहां कोई ये नहीं होता, ब्लड वेसल से ब्लड आर्टरीज और वेन्स ज्यादा नहीं होते। जो ब्लड होता है वो ब्लड सीधा सीधा ऑर्गन के कैविटी में या वेसरल के कैविटी में जाके गिरता है, ठीक है, सीधा गिरेगा और वही से एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये हो जाता है, ब्लड सेल जो भी टिश्यूज को चाहिए वो ले लेता है, बाकी फेंक देता है, तो बाकी का ब्लड आगे से धीरे धीरे पीछे की तरफ जाता है, फिर अगेन वो आके हार्ट में आके पंप होता है, फिर आगे गिरता है, फिर आगे से पीछे, एक मशीन की तरह काम करेगा। मतलब कॉकरोच का अगर सर्कुलेटरी सिस्टम देखोगे ना, हमारे तो चार चैम्बर आठ है, हमारे कितने चैम्बर है, चार है, पता है ना, ऊपर के दो तरफ एट्रियम, नीचे के दो की तरफ वेंट्रिकल, ऊपर दो एट्रियम नीचे दो वेंट्रिकल या एट्रियम वेंट्रिकल, ऐसे चार चैम्बर है। कॉकरोच के कितने चैम्बर है कोई बता सकता है? मैंने लास्ट टाइम बताया था कितने चैम्बर हार्ट है, सेवन नहीं 13 13 चैम्बर हार्ट है, 13 एक टनल जैसा है, टनल होता है ना लंबा टनल, लंबा टनल की तरह वो हार्ट के चैम्बर्स होंगे, कैसे रहेंगे ड्रॉ करके बताता हूँ, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, आई थिंक यहाँ कॉकरोच का दिखाया है, देखो 13 चैम्बर हार्ट दिखा नहीं दिखा, मैं एक एक करके उसको हाईलाइट करता हूँ तो समझेगा, हाईलाइट जब करूंगा तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 टोटल 13 चैम्बर हार्ट है, बराबर। अब उसका देखो 13 चैम्बर हार्ट है और उसका देखो ये पीछे से पंप होता है, हाँ ब्लड है ना, यहां से पंप होते हुए डायरेक्ट हेड में जाके गिरेगा थ्रू चैम्बर। हेड में एक साइनस है, साइनस, नो व्हाट इज मीन बाय साइनस, साइनस मतलब क्या कोई बता सकता है? नो व्हाट इज मीन बाय साइनस, साइनस इज अ कैविटी, साइनस मतलब एक छोटा सा कैविटी है, ठीक है, एक जगह है, कैविटी होल है या स्पेस है, वहां जाके वो गिरता है, वहां ब्लड गिरने के बाद वो नीचे जैसे सेटल डाउन होता है, जो भी गैसेस एक्सचेंज होना है, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए टिश्यू को वो ले लेता है, फिर वो ब्लड अगेन यहां से फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, ये चलते ही रहेगा। और ये जो हार्ट चैम्बर है ना, अपना कैसे लम्बडब होता है, उनका भी ऐसा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, मतलब पीछे का 13वां चैम्बर, लास्ट 13 चैम्बर पे समझो यहाँ ब्लड है, ठीक है, वो 12 चैम्बर पे कैसे जाएगा, 13 चैम्बर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 12 में जाएगा, 12 से 11 में कैसे जाएगा, 12 कॉन्ट्रैक्ट होगा 11 में जाएगा, 11 के बाद 11 से 10 में कैसे जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ आगे जाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते करते आगे जाएगा और हेड साइनस में गिर जाएगा, दैट इज अ कैविटी, और वो कैविटी में ब्लड एक्सचेंज हो जाएगा, जो टिश्यूज को चाहिए न्यूट्रिएंट्स वो ले लेगा और अगेन पीछे ब्लड आ जाएगा, फिर आगे, ये हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सिंपल। इसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत ही नहीं है, इसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत नहीं है, हीमोग्लोबिन की जरूरत है नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ हीमोग्लोबिन, क्यों, या ऑक्सीजन कैरी करना लंग्स से, लंग्स के बाद फिर बाद में सर्कुलेशन, फिर सब जगह जाना, कुछ जरूरत नहीं, तो देयर इज नो हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हम बोल सकते हैं, जरूरत ही नहीं है, क्लियर, सिंपल, समझ में आ गया, ये हो गया एक टाइप जो हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है, जैसे एक एग्जाम्पल चाहिए, जैसे एक छोटा सा डेफिनेशन, एक छोटा सा नॉलेज चाहिए तो, या जो छोटा जानकारी चाहिए तो हमने दे दिया, एक बार हम पढ़ लेते तो दैट्स इट, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम छोड़ देंगे, जस्ट रीड कर देंगे, पढ़ के छोड़ देंगे, वी आर मोनली फोकस्ड विद क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बराबर। किसी को कुछ पूछना है?
किसी को कुछ पूछना है? समझ में आया? सभी लोग आ गए? जो भी लेट हुए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो. वी आर स्टार्टिंग विद सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेशन मतलब क्या वो मैंने बताया. अलोंग विद सर्कुलेशन दो तीन चीजें मैंने बताई है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. तो अभी जो मैं पढ़ा रहा था, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक रफ आइडिया के लिए हमको पढ़ना था तो हमने पढ़ लिया. इट्स जस्ट अ डेफिनेशन टॉपिक है तो पढ़ लिया हमने. मैंने लास्ट टाइम इनको 11th में पढ़ा दिया था. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या? देयर इज नो ब्लड वेसल्स, देयर इज नो आर्टरीज वेन्स, डायरेक्टली ब्लड पोर्ड इनटू अ कैविटीज. दैट कैविटीज इज कॉल्ड हिमोसिल. उस कैविटी को बोलेंगे हिमोसिल एंड ब्लड को बोलेंगे हिमोलिम्फ. हिमोलिम्फ वहां के ब्लड, ब्लड में क्या नहीं है? आरबीसी नहीं है. आरबीसी नहीं है मतलब हीमोग्लोबिन नहीं है. तो दैट इज सिंपल. ब्लड क्या होगा? व्हाइट होगा. ब्लड का कलर रेड क्यों? बिकॉज ऑफ आरबीसी हीमोग्लोबिन. तो इसका ब्लड व्हाइट होता है. जब एक कॉकरोच को मारो व्हाइट पेस्ट निकलता है, बराबर. दैट इज हीमोलिम्फ, ठीक है. और कैविटीज को क्या बोलेंगे? हीमोसिल. सील मतलब कैविटीज, बराबर. लास्ट टाइम बताया था, याद होगा. क्लियर? चलो अब आगे जाता हूँ. अब हम एक बार रीड कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते. वाह. सबसे पहले सर्कुलेशन 8.8 चैप्टर सर्कुलेशन. सर्कुलेशन इन एनिमल्स, इन हायर एनिमल्स मतलब जैसे कि, बराबर. इन हायर एनिमल्स द सर्कुलेशन इज कैरिड आउट अ स्पेशल फ्लूइड कॉल्ड ब्लड एंड लिम्फ. लिम्फ तो कि मैंने बताया हीमोलिम्फ, बट लिम्फ अलग है. वो मैं बताता हूँ, अपने भी लिम्फ है बट वो अलग है, ठीक है. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ते. हायर एनिमल्स फ्रॉम एनिलिडा, याद है अभी मैंने थोड़े देर पहले ही बोला था तुम लोगों को, क्योंकि हमने ये सर्कुलेशन पार्ट ज्यादा अच्छे से कहा पढ़ा था. किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया में एनिलिडा आता है, बराबर. याद हो दस फाइलम? यस सर. हाँ दस फाइलम याद है? कोई बता सकता है दस फाइलम एक एक करके? ओरिस्टेरा, निडेरिया, एस्टलमेंटस, पॉलीहेलमेंटस समथिंग, मोलस्का. हाँ सॉरी, प्लैटीहेलमेंटस, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा. नहीं नहीं तूने पॉलीफेरा बोला, बराबर है. उसके बाद निडेरिया, टीनोफोरा, निडेरिया, फिर प्लैटीहेलमेंटस, एस्पलमेंटस, मोलस्का, एनिलिडा. फिर आता है एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा. याद है? याद है ना? यस. लास्ट में आता है, लास्ट में क्या आता है? टेंथ वाला हेमिकॉर्डेटा. कॉर्डेटा, बराबर. तो कॉर्डेटा तो मतलब क्या? एनिलिडा से लेकर, एनिलिडा से लेकर हायर एनिमल्स फ्रॉम एनिलिडा. एनिलिडा मतलब कहाँ से? अर्थवर्म. अर्थवर्म से लेकर कॉर्डेटा तक के सभी लोगों को एक स्पेशल सर्कुलेटरी फ्लूड है. द फ्लूड विच इज पम्प्ड इनटू द टिश्यू बाय द हार्ट थ्रू द ब्लड वेसल्स, बराबर. अब टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन तो अभी मैंने बताया, बराबर. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक बार बोल देता हूँ. द एनिमल हैविंग एन ओपन सर्कुलेशन, ओपन, डायरेक्ट ब्लड गिरेगा साइनस पे, हेड के साइनस पे, कैविटीज में. ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द बॉडी कैविटीज. बॉडी कैविटीज अभी मैंने बताया, कैविटीज मतलब होल्स, हीमोसिल्स. द विसेरल ऑर्गन्स lies in the blood filled body cavity, बराबर. उसका जो organs है ना body cavity के जो blood होते हैं, ज्यादा जमा होता है blood. अभी फेंकने के बाद समझो, मैंने यहाँ से पानी फेंका, तो पानी फेंकने के बाद जो जो खड्डे में जाएगा ना पानी, वो खड्डे में organs है, बस खत्म. समझ में आया? और वही वो directly exchange करेगा material और उसको गंदगी फेंक देगा, अच्छी चीजें ले लेगा. जैसे कि देख, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस डायरेक्टली बिटवीन द ब्लड एंड द सेल और टिश्यू ऑफ द बॉडी, बराबर. नहीं समझा? गटर का पाइप है, यहाँ से मैंने पानी फेंका, तो पानी जब मैं फेंकूंगा तो वो ये खड्डे में जाएगा कुछ, वो खड्डे में कुछ जाएगा, वो खड्डे में कुछ जाएगा, वो खड्डे में कुछ जाएगा, बस. तो उस जगह वो खड्डे में जाना कंपलसरी है. तो ठीक इसी तरह जब ब्लड पंप होगा तो वो होल में, होल में, वो होल में, होल में जाएगा. तो उसी होल्स में, उसी कैविटीज को हम बोलेंगे हीमोसिल, और उसी कैविटीज में ऑर्गन्स है. वही ऑर्गन्स क्या करेगा? ब्लड आने के बाद वहां से वो न्यूट्रिएंट्स लेगा और बाकी की गंदगी फेंक देगा, बराबर, ठीक है. द ब्लड फ्लोस फ्रॉम द लो प्रेशर, लोई प्रेशर यूजुअली डज नॉट कंटेन एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट. मैंने अभी बोला ब्लड उनका रेड नहीं रहता, तो हीमोग्लोबिन उसमें नहीं रहता है,
और वो ब्लड का नाम क्या रहेगा, हिमोलियम. इसमें नाम नहीं दिया है, अलग बात है, बट लिख के ले लो हिमोलियम. हिमो एच ई एच ई एच ए ई एम ओ हिमो लिम्फ. लिम्फ का तो स्पेलिंग सभी को पता है, एल वाई एम पी एच लिम्फ. मतलब उसमें आरबीसी नहीं रहेंगे, हीमोग्लोबिन नहीं रहेंगे. सो इट डज नॉट ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस. बराबर, जाहिर सी बात है, हीमोग्लोबिन है तो रेस्पिरेटरी गैसेस नहीं है. एग्जाम्पल आर्थ्रोपोडास, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आर्थ्रोपोडास कॉकरोच स्टडीड, देखो ब्रैकेट में लिखा भी है अनफॉर्चुनेटली, स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड एंड मोलस्का. बराबर सर. हाँ सर, लाइक व्हेन वी से व्हाइट ब्लड, सो डज इट एक्चुअली लुक लाइक व्हाइट कलर? हाँ, व्हाइट ब्लड करके नहीं होता एग्जैक्टली. व्हाइट तूने ये सोचा होगा डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल्स, इट इज अ कंपोनेंट, इट इज अ सेल. आई एम टॉकिंग अबाउट द लिक्विड, द लिक्विड. इफ यू सी द लिक्विड व्हेन यू किल द कॉकरोच, उसमें से देखो चिपचिपाट व्हाइट कलर का निकलता है, दैट इज व्हाट लिक्विड, दैट इज कॉल्ड हीमोलिम्फ. हीमोलिम्फ इज इक्वल टू, लिख लो हीमोलिम्फ इज इक्वल टू ब्लड माइनस आरबीसी. हमारे ब्लड में आरबीसी है, अगर हमारे ब्लड में आरबीसी जीरो होगा तो हमारा भी हीमोलिम्फ हो जाएगा. ठीक है? यस सर. ओके, सो द सेकंड वन, नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे. यहाँ से स्टार्ट होगा अपना मेन सर्कुलेशन सिस्टम. अगर किसी को पूछना है तो पूछो. आज मैं सर्कुलेशन का डेफिनेशन, डबल सर्कुलेशन ये करने वाला हूँ, और इसके बाद सर्कुलर सिस्टम इन ह्यूमन बींग लेने वाला हूँ प्लाज्मा तक. प्लाज्मा से बाद आरबीसी हम कल से लेंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट एक ही सेट में उड़ा देंगे कल. फिर कल भी 1 आवर का लेक्चर होगा और उसके बाद धीरे धीरे आगे जाएंगे. ओके, सो यस, एनी डाउट? नो सर. ठीक, चलो नाउ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ध्यान से सुनो, थोड़ा बहुत डायग्राम बनाना पड़ेगा, मैं दे रहूंगा बीच बीच में, स्क्रीन में आपको दिख जाएगा. पहले समझ के लो व्हाट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे मैंने बताया सिंपल है, हार्ट होगा, या मैं बना देता हूँ एक बार डायग्राम बनाता हूँ तो डेफिनेशन के लिए इजी हो जाएगा मेरे लिए. कलर में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स व्हाट? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या समझो ये. सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स व्हाट? देख लो ध्यान से समझो. ये आपका आ गया ट्रकिया, ब्रोंकाई, लंग्स. बराबर, ये हो गया. अब ध्यान से सुनो, ये मैं बना रहा हूं क्या, हार्ट. समझो ये हो गया, अच्छा ये हो गया का हार्ट. एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच, चार चम्मच, बीच में पार्टीशन. बराबर, फोर चैम्बर आर्टेड है ना अपना, चार चैम्बर से बना हुआ है, तो चार चैम्बर. ठीक है, अब ये उन्हीं के बाद, अब इस चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, किसी को आइडिया है? ये वाले चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट चैम्बर को, इसको हम बोलते हैं, लिख देता हूँ, राइट एट्रियम आर ए. इसको हम बोलते हैं क्या, लेफ्ट एट्रियम एल ए. बराबर, इस वाले को हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल वी आर वी, और इसको हम बोलेंगे एल बी लेफ्ट वेंट्रिकल. किसी को कुछ डाउट है या तो पूछो ठीक. तो लंग्स का तो मैं नाम नहीं दूंगा, ट्रकिया ब्रोंकाई लंग्स नो एल्वियोलाई मैं नाम नहीं दूंगा, हार्ट का दूंगा. वी आर फोकसिंग ऑन हार्ट बिकॉज लंग्स हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया, हार्ट में जा रहे हैं. तो राइट वाला मैंने बताया, देखो ये राइट का, राइट और लेफ्ट के बीच में थोड़ा पार्टीशन होते हैं, ठीक है. राइट का और लेफ्ट का ब्लड ऐसा मिक्स नहीं होता है, बीच में पार्टीशन होता है, राइट का ब्लड राइट में, लेफ्ट का ब्लड लेफ्ट में. ठीक है, तो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बता दिया मैंने. अब आगे जाता हूँ, होता क्या स्कूल. अब एक छोटा सा मैं मैकेनिज्म पहले बता दूं तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. यहाँ ना, यहाँ एक ओपनिंग्स होते हैं, देखो मैं बना रहा हूँ,
एक एक या ओपनिंग और एक या ओपनिंग। ये ओपनिंग का नाम क्या है इसको हम बोलेंगे अभी, अभी के लिए इसको हम बोलेंगे, इसको अभी 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 के लिए हम बोलेंगे बैच, इसको हम बोलेंगे बैच, याद रखो बाद में इसको डिटेल। बैल्स मतलब ओपनिंग बुच, ठीक है ओपनिंग। अब होता क्या, ये जो राइट एट्रियम में है ये जो ब्लड, अभी जो ब्लड है कोई बता सकता है ये कहां से आया रहेगा? राइट एट्रियम में ब्लड कोई बता सकता है? छोड़ो वो छोड़ो, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड, उससे भी पहले और एक चीज बताओ वो भी छोड़ो, मेरे को बताओ ये राइट पार्ट मतलब राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट राइट सॉरी राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में ये जो ब्लड है भी है प्रेजेंट, ये ऑक्सीजनेटेड है या डी ऑक्सीजनेटेड? हमने टेंथ में पढ़ा है। Yes. कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड? नो रॉन्ग, इट इज डीऑक्सीजनेटेड। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या, जहां ऑक्सीजन नहीं है इसको कैसे भी करके लंग्स में लेके जाना, ठीक है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये, अब ये मिटा दो क्या, वेल्स मिटा दो क्या, ये जरूरत नहीं है ना? Yes. वेल्स मिटा देता हूँ, आपको समझ में तो आ गया वेल्स मतलब कुछ ओपनिंग्स। अब ये यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है प्यूरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, कहा जाएगा ये? लंग्स। क्यों लंग्स में जाना जरूरी है? क्योंकि क्यों लंग्स में जाना जरूरी है, यहां हम क्या ले रहे हैं? अगर O2 पड़ा है ऑक्सीजन पड़ा है तो जाहिर सी बात है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा वो? ऑक्सीजनेट। ऑक्सीजनेट द प्रोसेस कॉल्ड व्हाट? रेस्पिरेशन। ब्लड आके बैठा है अंदर और मैंने क्या किया, इनहेल किया, इनहेल किया तो क्या किया, O2 अंदर तक गया, जब अंदर तक गया तो क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया तो क्या हुआ, O2 किसको दिया, ब्लड को, CO2 किससे लिया, ब्लड से, और उस CO2 कैसे आ गया बाहर, यहां से बाहर बाहर आ गया, बराबर। सिंपल है, समझ में आ गया यहां तक का? Yes. अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना है कहां जाएगा, एनी आइडिया? वेन्स, आर्टरीज। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहां जाएगा पता है खुद तो, लंग्स, लंग्स तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन होता नहीं है, वो थोड़ी ना किधर भेज पाएगा, पूरे बॉडी को नहीं भेज पाएगा, तो ये जो O2 ब्लड है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अब कहां जाएगा, ध्यान से देखो, अब वो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, कौन सा पार्ट है ये, सॉरी सॉरी, ये ब्लड कहां से कहां तक जाएगा, यहां से लेकर, ध्यान से देखो, यहां से ब्लड जाएगा वो यहां, क्या कौन सा पार्ट है ये, लेफ्ट एट्रियम, बराबर, लेफ्ट एट्रियम। अब जो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आया है, ये वाला ब्लड, ये ब्लड, ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड, बराबर। ये पाइप और ये पाइप आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसका मेरे को नाम देना है, इसको मेरे को नाम देना है, ये वाले पाइप को मेरे को नाम देना है, इसको मेरे को नाम देना है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा पता है, पल्मोनरी, पल्मोनरी, पल्मोनरी बोलूंगा, पल्मोनरी, पल्मोनरी क्या बोलूंगा मैं, पल्मोनरी आर्टरीज, याद रखना रेड है ना, डेट्स व्हाई जानबूझ के मैंने रेड बनाया, आर्टरीज ऑलवेज रेड में। अब तुम लोग सोचते होंगे अरे आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बराबर, आर्टरीज ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कैसे पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है? तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ऑल द आर्टरी, ऑल द आर्टरीज, ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड, जैसा अभी तुम लोगों को दिख रहा है, बराबर, सिंपल। अब, yes. अब ये वाले पाइप को क्या नाम देंगे, ये वाले पाइप इसको हम क्या नाम देंगे,
तो मैं पल्मोनरी का सिर्फ पी लिखूंगा, पी मतलब पल्मोनरी समझ लो, बट पल्मोनरी होने के बाद ये इसको हम बोलेंगे वेन, इसको हम बोलेंगे क्या वेन, और पल्मोनरी वेन ये ब्लू में है और कैरी कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कैसे हो सकता है? तो हमेशा याद रखना ऑल द वेन्स कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बस. So it is like vice versa in both the things, no? हाँ हाँ vice versa, एक लेके आ रहा है एक लेके जा रहा है ना. Yes. एक हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है प्यूरिफिकेशन के लिए, वो प्यूरिफिकेशन ब्लड लंग से हार्ट में जा रहा है. Yes. तो ये ऐसा हो गया, ये हो गया एक सर्कुलेशन, ये हो गया एक सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन है ना अपना, ये हो गया एक सर्कुलेशन. हाँ वॉइस तो लाउड ही है रे, अभी भी आ रहा नहीं है अभी, ठीक है? हाँ सब प्रॉपर है, प्रॉपर है ना. थोड़ा सा वॉल्यूम बड़ा वहां से गौरव. हाँ तो अभी हुआ क्या, ये एक टाइप का सर्कुलेशन है, मतलब सर्कुलेशन तो है, क्लोज भी है, देखो कहा ब्लड तो लीक हो नहीं रहा है, कहीं ब्लड गिर नहीं रहा है, सब ब्लड वेसल्स के थ्रू जा रहा है. तो डबल सर्कुलेशन हम इसलिए बोलते हैं कि हार्ट से लंग, लंग से हार्ट, देखा हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग्स में, लंग्स से अगेन वो गया हार्ट में, ये एक हो गया, इसको हम बोलेंगे क्या पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी मतलब पल्मोनरी जब भी आया वर्ड उसको हम बोलेंगे लंग, पल्मोनरी सर्कुलेशन, बराबर. अब आगे जाओ, अब आगे ध्यान से सुनो. लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो ऊपर ब्लड रहता है ना राइट और लेफ्ट एट्रियम में, पर एक साइनस जो वेल्स जो बोला ना वेल्स अपने आप ओपन होती है, तो राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में गिरता है, मतलब ऊपर का नीचे, फिर तो ये ऊपर का भी नीचे गिरता, ये वेल्स खुल जाएगा, जो वेल्स है या ये खुल जाते हैं, खुलने के बाद नीचे गिर जाता है, तो नीचे गिर गया तो यहाँ भी ब्लड जो आएगा वो अगेन सेम, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, और यह हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, बराबर. राइट हैंड साइड डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजनेटेड. अब आगे देखो, क्या इतने में कहानी खत्म? नहीं. अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल का पंप होगा और ये जाएगा पूरे के पूरे, कहाँ जाएगा कोई बता सकता है? आर्टरीज. हाँ हाँ ये जाएगा, ये जाएगा, अरे आर्टरीज के थ्रू ही जाएगा, आर्टरीज रेड बनाया मतलब आर्टरीज है, बट जाएगा किसके पास? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो जाना किसके पास चाहिए? बॉडी पार्ट्स. हाँ तो किसके पास जाएगा? बॉडी पार्ट्स, पूरे बॉडी पार्ट्स को जाएगा, कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बराबर. क्लियर? डन? किसी को इसमें कुछ डाउट है? अभी डाउट है तो अभी पूछ लो, किसी को अगर डाउट है तो अभी पूछ लो, फिर आगे आगे नहीं समझेगा. किसी को अगर डाउट है तो अभी पूछ लो. रुकता हूँ मैं एक मिनट के लिए, तब तक मैं थोड़ा सा डिजाइन मेंटेन लिख रहा हूँ जो मैंने अभी रख किया था, उसका था ना वो. ठीक है, डन, समझ में आ गया? यस. अब एक ही ट्यूब बचा है, अभी एक ही का कनेक्शन नहीं हुआ. देखो कनेक्शन किस किस का हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल का हो गया, राइट वेंट्रिकल का हो गया, लेफ्ट एट्रियम का हुआ, तो राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है बताओ? राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता होगा? राइट एट्रियम एकदम यहाँ का राइट वाला पार्ट का एट्रियम में, यहाँ ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कहाँ से आता है? जाहिर सी बात है, जब बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी फिर से हार्ट में लेकर आना है, तो वो कौन लेकर आता है बताओ? कौन लेकर आता है? कौन लेकर आएगा? सिंपल सी बात है, हमने बचपन में पढ़ा है सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा, सुना है कभी? सुना भी है कि नहीं? सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा? याद नहीं है. ठीक है, तो याद नहीं है तो बताता हूँ, सुनो. इतना मोटा मेरा अभी मैंने जो दिखाया ना, इतना मोटा वेन होगा,
अब सुनो, दोनों सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा, दोनों इतना मोटा वेन होगा, वो ब्लड लेकर आता कौन सा, बॉडी पार्ट से, ठीक है, कैसे, हार्ट है, मैं दिख रहा हूँ, हार्ट है, हाथ के नीचे जो भी ऑर्गन्स है, जो भी है, एब्डोमेन, टेस्टिस, लेग, पैर, जो भी नीचे के ऑर्गन्स है, वहां से जब ब्लड रिटर्न आएगा ना, एक वेना केवा के थ्रू आएगा, उसका नाम है इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर मतलब नीचे है वो, हार्ट के नीचे से आ रहा है, बराबर। और दूसरा, हार्ट के ऊपर जो भी है, नेक हो गया, ब्रेस्ट हो गया, गला हो गया, ओट हो गया, नाक हो गया, आईज हो गया, ब्रेन हो गया, ऊपर से जो भी डीऑक्सीजनेटेड बॉडी पार्ट से जो नीचे लेकर आ रहा है, वो कौन है, सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे, वेना केवा मतलब इतना मोटा है वेना, वेन इतना मोटा वेन है, उसलिए वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, वो दोनों ब्लड ऊपर से नीचे से ऊपर लेकर आ रहा है, ऊपर से नीचे लेकर आ रहा है, और डाल किसमें रहा है, राइट एट्रियम, किसमें, इसमें। तो ऐसा हम बोल सकते हैं, ब्लू रहेगा वो कि वेन है, तो यहां से एक छोटा सा वेन ऊपर से आ रहा है, मोटा है, और नीचे से भी वेन आ रहा है, उसको हम बोलेंगे, यहाँ सेपरेटली नीचे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ओके, सेपरेटली मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ, उसको बोलेंगे एस वी सी आई वी सी, एस वी सी मतलब क्या, सुपीरियर वेना कावा, आई मतलब इंफीरियर वेना केवा, एंड ओपन कितने में, ओपन कहा हो रहा है, टुगेदर ये ओपन किसमें हो रहा है, राइट एट्रियम में, और क्या लेकर आता है, सब जगह का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा, किसमें डालेगा, राइट एट्रियम में। अब जैसे राइट एट्रियम में डालेगा, राइट एट्रियम पूरा पूरा क्या हो जाएगा, फिल्ड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हो जाएगा कन्वर्ट। अब यहाँ का वाल्व है वो खुल जाएगा, यहाँ का वाल्व वो नीचे गिरेगा, नीचे क्या गिरेगा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में गिरा तो यह ऑलरेडी पाइप जुड़ा हुआ जिसका नाम क्या, पल्मोनरी वेन, वो पल्मोनरी आर्टरीज है, ये थोड़ा रब करके लिख दो, आर्टरीज नहीं आती, मैंने लास्ट में लिखा था वो, मैं पढ़ाते पढ़ाते ये आर्टरीज था, पल्मोनरी आर्टरीज से लंग्स में, लंग्स में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा, अगेन वो यहाँ से धीरे धीरे जाते हुए कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से नीचे आएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट को देने के बाद डीऑक्सीजनेटेड, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा लेकर आएगा राइट एट्रियम में, फिर नीचे गिरेगा, फिर यही प्रोसेस चलते रहेगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सर्कुलेशन, ब्लड घूम ही रहा है नॉन स्टॉप, पंप किया घूम रहा है, इट इज कॉल्ड व्हाट, सर्कुलेशन, बराबर। एंड तुम लोग ने नोटिस किया रहे, दो बार ब्लड घूम रहा है हार्ट में, पहला तो मैंने बोल दिया पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, अब यहां देखो क्या हो रहा है, हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट आए ना, हार्ट से बॉडी पे गया, बॉडी फिर सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम में ओपन हुआ, बराबर, हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो सर्कुलेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू हाल्व्स, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और ये पूरा का पूरा मैंने डेफिनेशन भी बता दिया, डायग्राम भी बता दिया, समझा भी दिया, अब सिर्फ खाली रीड करने का रहेगा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, मैं दो मिनट यहाँ रुकता हूँ, एग्जैक्टली दो मिनट रुकता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, तो इसमें किसी को कुछ ना कुछ डाउट्स आ सकता है, अगर कुछ आ रहा है तो पूछो। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। नो सर, नो डाउट। ठीक है, बाकी लोग एक बार देख लो, कोई गाय नहीं है, 40 मिनट्स पढ़ा दिया तो 2 मिनट हम रुक भी सकते हैं, देख लो। हमने 40 मिनट्स पढ़ा दिया है तो 2 मिनट रुक सकते हैं, एक बार अच्छे से देख लो, दिख रहा है स्क्रीन? Yes. हाँ, तो एक बार गो थ्रू कर लो, यानी तो छोटा सा रफ डायग्राम या रफ
नोट्स बनाना है बना लो, तो इजी हो जाएगा जिस तरीके से हम आगे बढ़ सके। डन? यस। चलो तो हम आगे बढ़ते, नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेशन। ये सब मिटा देता हूँ मैं, थोड़ा ज्यादा ही कलरफुल दिख रहा है। ओके देखो ज्यादा ही कलरफुल दिख रहा है, दिख रहा है क्या? मैंने एक छोटा कर दिया पूरा। यस, ब्लैक बैकग्राउंड में पूरा कलरफुल हो गया है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं पूछना है तो मैं आगे पढ़ता हूँ। अभी क्लियर दिख रहा है, देखो वो ये था ना। हाँ सर, अभी क्लियर दिख रहा है, किसी को कुछ पूछना है नहीं ना? सब कुछ क्लियर दिख रहा है। पल्मोनरी वेन, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, O2 दिख रहा है, वेन दिख रहा है, आर्टरीज दिख रहे हैं, बॉडी पार्ट दिख रहा है, RA दिख रहा है, SVC, IVC, RA में ओपन हो रहा है, बॉडी पार्ट, बराबर? यस। चलो मैं रफ कर रहा हूँ, मैं भी रफ हूँ, मैं भी रफ कर देता हूँ इसको, तो हम एक बार रीड कर लेते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीज आज हमने कवर कर ही लिया है, तो इसको हम मिटा देते हैं। बहुत काम है यार मिटाने का, तो बहुत कुछ लिखा है। चलो नाउ वी मूव टुवर्ड्स द थ्योरी। मैंने पूरा बता तो दिया है, एक बार आप रीड कर लें तो दैट्स इट, हो जाएगा काम। सो हम जब रीड करेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होगा। आई थिंक आज सर्कुलेटरी सिस्टम डबल सर्कुलेशन ही होगा, बाकी का देख लेंगे फिर कभी कर लेंगे। ओके, सो सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम विच वी आर डीलिंग विद एंड विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम in an all vertebrate, higher molluscs, जैसे कि higher animals and annelids, जो higher है, blood is circulated all over the body through a network of blood vessels, जैसे कि arteries, veins, capillaries, capillaries क्या, तो थोड़ी देर बाद बताऊंगा, आगे जाऊंगा तो। In this type of circulation, blood flows with the blood vessels, मतलब blood vessels के through जा रहा है, जैसे pulmonary artery, pulmonary vein हो गया या जो भी aorta वगैरह वगैरह। और दूसरी बात ब्लड फ्लोज विद द ब्लड वेसल्स एंड डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सेल इन द बॉडी टिश्यू, बराबर? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं आ रहा कि किसी के पर डायरेक्ट गिर रहा है या कहीं पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ब्लड वेसल्स के थ्रू ही घूम रहा है, दैट्स व्हाट इज क्लोज सर्कुलेशन। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू थ्रू एन इंटरमिटेंट फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ, ये लिम्फ क्या होता है बाद में। ब्लड फ्लोज विद हाई प्रेशर एंड कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट लाइक हीमोग्लोबिन फॉर रेस्पिरेटरी ट्रांसपोर्टर रेस्पिरेटरी गैसेस। अब ब्लड हमारा थोड़ी ना ऐसे धीरे 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 जाता है, फटाक से पंप होता है, फटाक से घूम के फिर फटाक से ब्लड में आ, ब्लड अपने पास हार्ट में आ जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 0.8 सेकंड में एक हार्ट बीट होता है, इतने में ब्लड घूम के आना ही है उसको, तो सोच कितना फास्ट से प्रेशर रहेगा, उतना प्रेशर रहता है, इसलिए तो हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर इसलिए बोलते हैं, अगर किसी का प्रेशर ज्यादा काफी ज्यादा रहा तो बीपी है मीडियम 125-80 होना चाहिए। ठीक है, द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू, सिंगल एंड डबल। सिंगल इतना कुछ मायने नहीं रखता, सिंगल लोअर में रहता है, इन सिंगल सर्कुलेशन द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ओनली वंस, एक ही बार पास करेगा, डबल सर्कुलेशन में दो बार पास करेगा, जैसे हमने ये खाली फिश में होता है सिंगल सर्कुलेशन, देखो एक बार पढ़ लो, सिंगल सर्कुलेशन द ब्लड पासेस थ्रू हार्ट बाय वंस ड्यूरिंग साइकिल इन फिश,
तो फिश का बता रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप आउट पंप फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स गिल्स, गिल से बाहर आता है बराबर. द ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स टुवर्ड्स द वेरियस पार्ट गेट्स डीऑक्सीजनेटेड रिटर्न बैक टू द हार्ट एंड नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट. सिंपल, ये अपना काम नहीं है, फिश का बता रहा है. तो सिंपल सिंगल सर्कुलर एक ही बार में खत्म. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किधर गया, कहां पहुंच गया मैं, हाँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, डबल सर्कुलेशन. ये सिंगल सर्कुलेशन है छोड़ दो, अब आता है डबल सर्कुलेशन और उनके हार्ट को बोलेंगे वीनस हार्ट. ठीक है, द हार्ट ऑफ द फिश कैरीज ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता इसलिए वेनस हार्ट. अब मेन आ गया देखो हमारा डबल सर्कुलेशन. देखो उन्होंने बॉक्स के जैसा बनाया है, दिख रहा है बॉक्स कैसे बनाते हैं, मैंने एकदम हार्ट बीट लंग्स विंग्स बनाया, उन्होंने बॉक्स में बनाया, देखा तुम लोगों को, ये देखो ये बॉक्स में उन्होंने बनाया, मैंने ऐसे तुम लोगों को हार्ट में बनाया था, उन्होंने बॉक्स में बनाया, एक बार देख लेते हो. एक एक करके मैं पढ़ता हूँ, किसी को किधर भी थोड़ा भी डाउट आया तो पूछ लेना. ठीक है चलो मैं पढ़ रहा हूँ एक बार देख. डबल सर्कुलेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आस्क फॉर 4 मार्क्स या कभी कभी 2 मार्क्स शॉर्ट में लिखते हैं. डबल सर्कुलेशन, अभी 4 मार्क्स तो नहीं है, 3 मार्क्स के लिए. डबल सर्कुलेशन, इन डबल सर्कुलेशन ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल. इट ऑकर्स इन बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स जैसे कि पिजन हो गया, कबूतर कौवे, इनमें होता है. बट मैमल्स में 100% होता है, डॉग डॉग या जो भी है, जो भी कैट बीट, जो भी कैमल, जो भी जिसको मेमोरी ग्लैंड्स है वो मैमल्स है, उस मैमल्स में 2 बार ब्लड घूमता है. कैसे, इन दिस एनिमल हार्ट पंप्स डी ऑक्सीजनेटेड, ध्यान से पढ़ो, हार्ट पंप्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड इन रिटर्न टू हार्ट एज ऑक्सीजनेटेड. समझ में आया, नहीं तो मैं हिंदी में बोलता हूँ. वो क्या बोलता है कि इसमें क्या होता है, हार्ट है ना डी ऑक्सीजनेटेड पंप करता है ना, राइट बताया ना मैंने नीचे राइट वेंट्रिकल, वो लेकर आता है किसमें, लंग्स में. फॉर वॉट पर्पज, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन होते हुए फिर वो राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम में लाता है बराबर, जो मैंने बताया था डायग्राम बराबर, देख उसको हम बोलेंगे क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन. याद है मैंने बोला था हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन. नेक्स्ट, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स द वेरियस बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट लंग, फिर से थोड़ी जाएगा, एंड रिटर्न बैक टू द हार्ट एज डीऑक्सीजनेटेड. नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा बराबर, और उस बदले में वो रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आएगा, सुपीरियर वेना केवा, नीचे से ऊपरियर वेना केवा, नीचे से, और डालेगा किसमें, राइट एट्रियम में बराबर. मतलब क्या हुआ, हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सिस्टेमिक सर्कुलेशन. ह्यूमन हार्ट शोस डबल सर्कुलेशन. ये 2 या 3 मार्क्स का है, नीचे एक बार डायग्राम देख लो और भी क्लियर हो जाए. देखो एक बार मैं कलर से करता हूँ, मतलब स्केच यूज करता हूँ. देखो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सीधी बात है. राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में, बट किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी. याद है ना मैंने बोला था, अरे आप बोल रहे हो डीऑक्सीजनेटेड कैरी करो वो भी आर्टरी, तो याद ही रखना है एक्सेप्ट ओनली आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड, बाकी जो भी आर्टरीज है ना सभी के सभी कैरी करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बराबर, हो गया. अब आगे देखो, लंग से, लंग्स देखो, लंग से वो पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आ रहा है वो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहाँ आना चाहिए, लेफ्ट एट्रियम, आ गया लेफ्ट एट्रियम में. ठीक है, ये देखो लेफ्ट एट्रियम में आ गया. अब लेफ्ट एट्रियम में से या वेल्स है, वेल्स से नीचे गिरेगा, तो ये जो सर्कुलेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसको हम बोलेंगे क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन बराबर. हम नेक्स्ट आगे देखो, नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होगा, जाएगा किस पास, बॉडी पार्ट्स के पास, थ्रू योर्टा. मैंने उधर नाम नहीं बताया था, यह बताता हूँ, योर्टा, जिसका नाम है योर्टा, योर्टा एक पाइप है, उसके थ्रू वो बॉडी, बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा. अब होता क्या है, बॉडी ऑर्गन्स में गया, ऑक्सीजन डी ऑक्सीजनेटेड था, बॉडी पार्ट्स ने क्या कर दिया, पूरे टिश्यू ने ऑक्सीजन ले लिया और उसको क्या कर दिया, CO2 दे दिया, हो गया क्या, अभी हो डी ऑक्सीजनेटेड,
अगेन वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाना चाहिए, बट डायरेक्ट लंग्स में नहीं जा सकता है, पहले हार्ट में जाना पड़ेगा उससे पहले. तो वो क्या करेगा, सुपीरियर वेना केवा, देखो नाम आया सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आया, बराबर राइट एट्रियम के थ्रू. इस सर देखो ये वाला सर्कुलेशन देखो, हार्ट से लेकर बॉडी, बॉडी से लेकर हार्ट, इसको हम बोलेंगे क्या, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, बराबर क्लियर. अब फिर अगेन यहाँ गिरेगा, फिर आ जाएगा, फिर यही चलते रहेगा, इसको बोलेंगे डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड मैमल्स, बराबर. टू और थ्री मार्क क्वेश्चन, इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो, आई थिंक ऑलमोस्ट डन. अब सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन के बारे में थोड़ा ग्लैंस देता हूँ, तब तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, इफ एनीवन हैज एनी डाउट आस्क मी. खाली ब्लड कॉर्पसल और प्लाज्मा के बारे में अभी बताऊंगा 2-3 मिनट में, फिर आई विल शट डाउन द लेक्चर. तब तक 1 मिनट देता हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, 1 मिनट में 30 सेकेंड्स ही दो, आई विल जस्ट गिव यू 30 सेकेंड्स, अगर कुछ पूछना है तो पूछो. नो डाउट, चलो आगे जाता हूँ, ये मिटा दे रहा हूँ. तो अब नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन. तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअली क्या क्या कंपोज करता है, एक तो चाहिए ब्लड, ब्लड चाहिए जाहिर सी बात है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल चाहिए, ब्लड तो ब्लड वेसल्स के थ्रू दौड़ेगा, और लिम्फेटिक सिस्टम चाहिए. हम किधर गया यार, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन. सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन में हम पहले ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हमको ब्लड पढ़ना है. तो ब्लड क्या होता है, ध्यान से सुनो, यहाँ है ब्लड, ब्लड के कॉम्पोजिशन दो ही होते हैं, ठीक है. ब्लड एक्चुअली दो चीजें कॉम्पोनेट करता है, ठीक है. सबसे पहले ब्लड का एक छोटा सा थ्योरी बताता हूँ, ब्लड कैसा दिखता है. सबको पता है ब्लड रेड होता है, बराबर, ब्लड रेड होता है. ब्लड को हम बोलते हैं फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड फ्लूड होता है, पानी होता है और कनेक्ट होते हुए चलता है, सब टिश्यूज को कनेक्ट होते हुए जाता है, इट्स कॉल्ड व्हाट, ब्लड फ्लूड कनेक्टिव टिश्यूज, मतलब सभी टिश्यूज को कनेक्ट होता है, ऐसा कोई नहीं है कि उसके साथ कनेक्ट होता है, दैट्स व्हाट इज ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, इस टाइप का टिश्यू है, बराबर. उसके अलावा उसका पीएच, उसका पीएच 7.4 होता है, स्लाइटली नमकीन होता है, तो टेस्ट क्या रहेगा तो देखो स्लाइटली नमकीन होता है, बराबर. उसके अलावा टोटल ब्लड कितना होता है एवरेज, 4-5 लीटर या 4-6 लीटर मैक्सिमम, बराबर. उसके अलावा वो उसमें ब्लड में दो चीजें होती है, एक 55% और दूसरा 45%. 55% क्या होता है पता, प्लाज्मा, मैंने लास्ट टाइम बताया था, याद है तुम लोगों को, एक बीकर लो, बीकर में, बीकर में क्या करो, हनी डालो और 3 बटन्स डालो, हनी को हम बोलेंगे प्लाज्मा, 3 बटन्स को हम बोलेंगे रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स नहीं ब्लड सेल्स बोलेंगे. तो 55% ब्लड प्लाज्मा होता है, 45% ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स. तो प्लाज्मा, प्लाज्मा कैसा होता है, विस्कस होता है, विस्कस मतलब चिपचिपाहट,
जैसा नहीं होता है वैसे चिपचा पार्ट होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, स्ट्रॉ कलर, येलो कलर पार्ट। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पानी, पानी देखो 90% पानी है उसमें, 90% उसके अंदर पानी होता है, 90% पानी। और प्रोटीन्स लाइक अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सब 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 मिला के 7-8%। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब मिला के 1%। और अदर्स जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, बहुत सारे वेस्ट, यूरिया, रेगुलेटर, हॉर्मोन, एंटीकोगुलेंट, कोलेस्ट्रॉल, एंटीबॉडी, डिसॉल्व गैसेस, वो सब मिलेके 1-2%। ठीक है, ये हो गया आपका प्लाज्मा। सिंपल है, प्लाज्मा में 90% वाटर है, सिंपल से बात है, 7-8% के प्रोटीन है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सब टाइप के फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, 1% क्या है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयन। और अदर्स क्या है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड, वेस्ट, रेगुलेटर्स, एंटीकोगुलेंट्स लाइक हेपरिन, कोलेस्ट्रॉल, एंटीबॉडी, डिसॉल्व गैस, सब मिला के 1-2% है, इसको बोलेंगे हम प्लाज्मा। बराबर। अब आता है नेक्स्ट, जो ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स हम आज नहीं करने वाले है, वो ब्लड सेल जो है हम वो नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, वो भी वन बाय वन। वन बाय वन मतलब क्या, देखो आरबीसी, ये आरबीसी है, पूरा एक पेज है आरबीसी। उसके बाद डब्ल्यूबीसी है, देखो 8.10 आरबीसी, 8.11 डब्ल्यूबीसी, वो भी एक पेज है, एक ने डेढ़ पेज है। फिर उसके बाद आता है 8.212 प्लेटलेट्स, वो भी एक पेज। तो एक एक पेज का टॉपिक बाकी का, तो अभी नहीं लेंगे, हम नेक्स्ट टाइम लेंगे, अभी तक सिर्फ प्लाज्मा, दैट्स इट। बराबर। किसी को कुछ डाउट्स है इसमें, एनीवन हैज एनी डाउट्स? अगर किसी को डाउट्स है तो वो रुकेगा, जिसको डाउट्स नहीं है वो नो करके जा सकता है। नो, मैं चैट बॉक्स ओपन करता हूँ। डाउट नहीं है नो बोल के जाना है, ऐसे ही नहीं जाना है, नो मीन्स चैट बॉक्स में डाल के आप निकल सकते। ठीक है, तन्वी नो, नो डाउट, ओके, आस्था नो, साक्षी नो, ओके, यू कैन, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है, तो विल एंड दिस लेक्चर, मीट यू टुमारो, विल कवर ब्लड सेल्स, ओके, ओके, चलो बाय।